सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का नया पॉलिटिकल गेम, ओडिशा के सीएम पटनायक और बीजेपी मुख्यमंत्रियों से करेंगे मुलाकात। पीवी नरसिम्हा राव के पोते का राहुल गांधी पर आरोप, बोले पार्टी में गैर गांधी नेताओं को नहीं मिलता सम्मान। कर्नाटक में कुरियर शॉप में मिक्सर ब्लास्ट सामान से उड़े परखच्चे, दुकान का मालिक खतरे से बाहर। देशभर में कोरोना से निपटने की तैयारियों पर मॉक ड्रिल, दिल्ली सरकार खरीदेगी 104 करोड़ रुपए की दवाइयां। कोविड 19 को लेकर न्यू ईयर पर राज्यों की एडवाइजरी, कर्नाटक में मास्क जरूरी, गोवा में रात 1 बजे तक कर सकेंगे पार्टी। पाकिस्तानी नाव से 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद, गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने 10 तस्करों को गिरफ्तार किया, 10 पिस्टल भी मिली। शिमला की लड़की से चंडीगढ़ में गैंगरेप, पंजाब का रहने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार, रेप के बाद हाथ पैर बांध देते। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में भगदड़ जैसे हालात, छह छात्राएं घायल हो गए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिद्धार्थ मैया का भाजपा पर तंज, मुंबई दे रहे भड़काऊ बयान, सांप्रदायिक मामले में के पीड़ितों को मुआवजा देने में हो रहा भेदभाव। पीएम मोदी की बैठक में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार, 1 महीने में दूसरी बार केंद्र के कार्यक्रम से बनाई दूरी। केसीआर को झटका, तेलंगाना हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सीबीआई को सौंपा। महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सराहना की, बोली भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल को सलाम। राजस्थान, दिल्ली समेत 5 राज्यों में कोल्ड डे, 1 दिसंबर से माइनस में जा सकता है पारा, एमपी में अगले 2 दिन सबसे ज्यादा। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में फार्मा कंपनी की लैब में भीषण आग लगी, 4 की मौत, 1 घायल। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को बताया भगवान राम, कांग्रेसियों की तुलना में भरसे की, कहा खड़ाऊ यूपी पहुंच गई है। सपा विधायक इरफान की करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, कानपुर से लेकर मुंबई तक है करोड़ों की बेनामी संपत्तियां, ब्यौरा जुटाने का काम शुरू हो गया है। सहारनपुर के 14 हॉस्पिटल में कोरोना पर मॉक ड्रिल, स्ट्रेचर पर लेटा कर दौड़ते हुए पहुंचे पीपी से टीम, ऑक्सीजन लगाकर इलाज किया गया शुरू। गंगा की सैर कराएगी शिकारा बोट, वाराणसी के बाद कानपुर में क्रूज चलाने की तैयारी, बिठूर 1.35 घंटे में पहुंचेंगे। लखनऊ में ट्विन हार्ट बेकरी में लगी भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों में 1 घंटे बाद पाया काबू।
ललितपुर में निर्माणाधीन टंकी से गिरकर मजदूर की मौत, लकड़ी की पाड़ हटाते समय 100 फीट ऊंचाई से गिरा। बेन चुराकर गाड़ी पर रख कर ले गया चोर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पकड़ा गया तो बोला भैया लौटा दूंगा। सहारनपुर में ट्रेनों की रफ्तार पर पड़ा कोहरे का असर, नौचंदी, सरयू, यमुना, सद्भावना और सुपर एक्सप्रेसवे समेत 19 ट्रेनों की 4 घंटे देर पहुंची। सामूहिक नकल के दोषी 270 कॉलेजों पर जुर्माना, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय ने की बड़ी कार्रवाई। गोरखपुर में रात में छात्रा का शव शमशान ले गई पुलिस, मां ने बेटी की लाश छीनी, ऑटो से घर ले गई, आधी रात मकान मालिक पर रेप और हत्या की एफआईआर। होटल में बॉयफ्रेंड ने की प्रेमिका की हत्या, रिसेप्शन पर बोला एटीएम से रुपए निकाल कर आता हूं, रूम के बेड पर ही पड़ी मिली लाश। रिश्वतखोर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को बचा रहे अफसर, प्रयागराज के सोराव में तैनात है सुनील पटेल, मंत्री के निर्देशन में हो रही है जांच में महज खानापूर्ति। उन्नाव में बल्लियों के सहारे खींचे गए विद्युत लाइन, बिना पोल लगाए है जिम्मेदार, बांट रहे कनेक्शन, हादसे का बना रहता है खतरा। हमीरपुर में सराफा की दुकान में चोरी, असलहों से लैस थे बदमाश, चौकीदारों के हाथ पैर बांधे, तिजोरी लेकर फरार। अयोध्या में किशोर की धारदार हथियार से मारकर हत्या, घर से 1 किलोमीटर दूर बनमऊ जंगल में मिला शव, भैंस बांधने घर से निकला था। मथुरा में 4 गाड़ियों में लगी आग, फायर ब्रिगेड को बुझाने में लगे 1 घंटे, दुकान के बाहर खड़ी थी गाड़ियां। बहन की हत्या कर बगल के कमरे में सोता रहा भाई, हत्या से पहले बहन को पीटा, गला इतनी तेज दबाया कि गले की हड्डी टूट गई। रैन बसोरे में बच्चों और फैमिली के लिए अलग व्यवस्था हो, वाराणसी के डीएम बोले सफाई के साथ मच्छरों से बचाव की करे व्यवस्था। भदोही के लाला नगर पीएससी का डीएम ने किया निरीक्षण, अधीक्षक व लैब असिस्टेंट मिले अनुपस्थित, दवा वितरण में मिली अनियमितता। कन्नौज में हादसे में अधिशासी अधिकारी समेत 3 की मौत, कोहरे के कारण एक्सप्रेसवे पर ट्रक में घुसी कार, पीछे से 2 कारों की टकराई। वाराणसी में कोविड का हुआ मॉकड्रिल, डीडीओ अस्पताल में पहुंची टीम, पर की प्लांट से ऑक्सीजन बेड सप्लाई की व्यवस्था। सीतापुर में 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, 2 महीनों से फरार चल रहा था, अवैध असलहों की करता था तस्करी। फतेहपुर में शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, दबाव बनाने पर मांगने लगा 10 लाख रुपए, विरोध करने पर युवती को पीटा। हापुड़ में पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल, डकैती के मामले में चल रहे थे फरार। फरुखाबाद में दंपति को पीटा, झोपड़ी में लगाई आग, जमीन के विवाद में दबंगों ने किया दुस्साहस, गृहस्थी का सामान जलकर राख। जानलेवा नहीं होगा कोरोना का नया वेरिएंट, प्रयागराज में डॉक्टर केतन मेहता बोली मरीजों की संख्या ज्यादा होगी, मास्क पहनने की आदत डालें।
अलीगढ़ में हार्ड कपाती ठंड में किन्नर समाज गरीबों का बन रहा है सहारा। किन्नर एकता मंच ने गरीब मजदूरों को किए कंबल वितरण। बुलंदशहर में युवक के साथ कुकर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दबंगों पर पीड़ित युवक को बंधक बनाने का भी लगा आरोप। चंदौली में कमरे में युवती का मिला रंजिश के शव। गला रेत कर की गई हत्या। टना से इलाका में हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस। बुलंदशहर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर शव को फूंका। अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को फावड़े से नहर में फेंकने का भी आरोप। कानपुर में ठंड में डीएम ने रेन बसेरों का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया। उत्तराखंड के नैनीताल में बढ़ती ठंड में अंगीठी सेकना पड़ा भारी। पति पत्नी बेहोश घर में। पल रहा बच्चे की हुई मौत। उत्तराखंड के देहरादून की सड़क पर साइकिल चलाते दिखे सीएम धामी। अनोखे अंदाज में दिया फिटनेस मंत्र। उत्तराखंड के गोपेश्वर में बहुमंजिला होटल हुए तिरछा। आई बड़ी दरारें। दहशत में घर में लोग छोड़ रहे हैं। उत्तराखंड में ठिठुरर कपकपी लेगी परीक्षा। केदारनाथ में तापमान 5.5। उच्च हिमालय इलाकों में जमी नाले। उत्तराखंड में सीएम ने वुमेन्स अंडर 19 चैंपियन बेटियों को क्या सम्मानित। बढ़ाया प्रदेश की जनता का उत्साह। उत्तराखंड के सीएम धामी ने गुरुद्वारा नामकत्ता साहिब में टेका मत्था। साहिबजादों के साहस को किया नमन। उत्तराखंड ने केंद्र से मांगी कोविड शील्ड की 3 लाख डोज। तैयारियां परखने को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। उत्तराखंड के सीएम धामी ने विंटर लाइन कार्निवाल का किया शुभारंभ। बोले पहाड़ों की रानी मसूरी की विशिष्ट पहचान। उत्तराखंड में बेतहाशा महंगी हो सकती है बिजली। यूपीसीएल ने विद्युत दर बढ़ाने के लिए भेजा दूसरा प्रस्ताव। उत्तराखंड के देहरादून में स्कूल में बच्चों को 2 अलग पंक्ति में बैठाकर खाना परोसने का वीडियो वायरल। युवक ने भेदभाव के लगाए आरोप। उत्तराखंड में सीएम धामी का बयान। बोले उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष विवि बनाने पर कर सकेंगे विचार। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने के लिए धरने पर बैठे हरीश रावत। बोले इन सवालों के नहीं मिले हैं जवाब। उत्तराखंड में फेसबुक पोस्ट को लेकर युवतियों के 2 गुटों में चले डंडे। एक सड़क पर गिराकर पीटा। 4 युवतियां गिरफ्तार। उत्तराखंड में पुरोला में धर्मांतरण के विरोध में सड़कों पर उतरे व्यापारी। नए कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में 25,000 का इनामी जालसाज जॉनी पकड़ा। 2.25 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में चल रहा था फरार। अंठावन रोगियों को लेकर इंडोनेशिया पहुंची बोट। इंजन खराब होने के बाद महीने भर समुद्र में फंसी थी। हवा ने तट पर पहुंचाया।
फुटबॉलर अली दे की पति बेटी को देश छोड़ने से रोका। ईरान में दुबई जाने वाली फ्लाइट को किया डायवर्ट, प्रदर्शनकारियों ने दिया था समर्थन। कोरोना को लेकर चीनी दवाइयां बेअसर, जेजियांग में एक दिन में 10 लाख केस, अमेरिका ड्रग बांटेगी जिनपिंग सरकार। वायरस से डरी है दुनिया लेकिन चीन उसे नहीं माना खतरनाक, नई गाइडलाइन जारी। चीन की हरकतें, हिंद प्रशांत में बढ़ा रही सैन्य शत्रुता, छोटे देशों की सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है ड्रैगन। दुनिया में कोरोना का खतरा, बढ़ते मामलों के बीच चीन सरकार ने बॉर्डर खोले, क्वारंटाइन हटाने का फैसला लिया। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन के 100 दिन, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं महिलाएं, 5 साल में तीसरी बार प्रदर्शन। अमेरिका में बर्फीली तूफान से तबाही, 48 राज चपेट में, कार रेस्टोरेंट में लोग कई घंटों से फंसे, 48 की मौत हो चुकी है। जापान में भारी बर्फबारी, 17 की मौत, छत से बर्फ हटा रहे हैं 73 साल के बुजुर्ग, नीचे गिरने से जान गई। इस्लामाबाद कोर्ट का आदेश, 1947 में अब तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मिले तोहफे की जानकारी दे पाकिस्तान सरकार। मारुति ने प्रीमियम हैचबैक को किया अपडेट, बेलोनी में एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ मिलेंगे शानदार फीचर। तीन दिन की सीबीआई कस्टडी में वीडियोकॉन के वेणुगोपाल दूत, चंदा और दीपक कोचर की कस्टडी में बड़ी लोन फ्रॉड केस में हुई थी गिरफ्तारी। २०२३ में दुनिया में आएगी मंदी, सीईबीआर ने कहा पॉलिसी मेकर्स बढ़ती कीमतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, बढ़ाएंगे ब्याज दरें। मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, 2 रुपए प्रति लीटर इजाफा करने का फैसला। बीओबी वो आईडीबीआई की जमा पर बढ़ा 0.65% तक का ब्याज, नई दर 26 दिसंबर से लागू। सहारा के खिलाफ सेबी की बड़ी कार्रवाई, कंपनी और सुब्रत राय के बैंक डीमैट खातों को कुर करने का आदेश। ईडी ने चेन्नई में 205 करोड़ रुपए की अधिक संपत्ति कुर्क की, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। शार्क टैंक वाले अश्विन ग्रोवर ने खेला 100 करोड़ का दाव, 8 मिनट में कमाए 2.25 करोड़ रुपए। ट्विटर का सीईओ बनना चाहते हैं भारतीय मूल के शिवा अय्यदुरई, ईमेल इन्वेंटर पर शिवा ने कहा मुझे इस पद के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताएं। मेटा पर भारी पड़े 6 फैसले, फेसबुक का नाम बदला, हेरोजाइन वर्ल्ड भी नहीं चला, एक फैसले में तो गवा दिए 19.5 लाख करोड़। सवा टेस्ट खेल रहे डेविड वॉर्नर का तीसरा दोहरा शतक, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली 200 रन की पारी, ऑस्ट्रेलिया की बढ़त 197 पर। बर्खास्त पीसीबी चेयरमैन रबीज रजा ने निकाली भड़ास, ऐसे लगा जैसे छापा पड़ा, सामान तक नहीं उठाने दिया।
श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए रोहित शर्मा ने कसी कमर, मैदान पर जमकर की प्रैक्टिस। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के बॉयकॉट पर नए पीसीबी इंचार्ज नजम सेठी का बयान, बोले अगर सरकार ने कहा नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। ऑक्शन में 17.5 करोड़ में बीके कैमरन ग्रीन ने धमाकेदार प्रदर्शन के बाद दिया बड़ा बयान, कहा मेरा गेम नहीं बदलेगा। जिनेदिन जिदान ब्राजील फुटबॉल टीम के कोच बन सकते हैं, वर्ल्ड कप में निराशजनक प्रदर्शन के बाद कोच टीटे ने इस्तीफा दे दिया था। बेन स्टोक्स का बड़ा बयान, बोले T20 लीग की लोकप्रियता टेस्ट के खिलाफ खतरा, लेकिन 22 साल में टेस्ट में गिरावट 6%। बॉक्सिंग डे टेस्ट साउथ अफ्रीका पहली पारी में 189 पर सिडनी, कैमरून ग्रीन ने छटके 5 विकेट, 6 खिलाड़ी दहाई तक नहीं पहुंचे। वॉर्नर का टेस्ट में शतक का सूखा खत्म, बॉक्सिंग टेस्ट के दूसरे दिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ समय टेस्ट में 3 साल बाद जड़ा शतक। दिग्गज फुटबॉलर पेले की हालत नाजुक, अस्पताल पहुंच रहे दोस्त और परिजन, बेटी ने पोस्ट की फोटो। सलमान खान की बर्थडे पार्टी में पहुंचे शाहरुख खान, एसआरके ने गले लगाकर दी भाईजान को जन्मदिन की बधाई। तुनिशा शर्मा का पुराना वीडियो सामने आया, बेहतरीन डांसर भी थी तुनिशा, पिया मोरे गाने पर किए थे जबरदस्त मूव्स। सूर्यवंशम में नजर आई जयसुधा ने सरकार पर कसा तंज, बोली 10 फिल्में करने पर कंगना को पद्मश्री मिल गया, हमें तो वो सम्मान ही नहीं मिलता। क्रिसमस के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेट करने निकली कैटरीना, विकी एयरपोर्ट पर जल्दबाजी में दिखी कैटरीना, पुलिस बोली मैडम चेकिंग के लिए रुकिए। पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना अस्पताल में भर्ती, -7 डिग्री में शूट करने के कारण नाक से आया खून। सलमान खान की शादी पर बोली बीना कौक, हमें उन्हें शादी के लिए लड़कियां दिखाते हैं। कृति ने शाहिद के साथ फोटो पर बदला कैप्शन, यूजर्स ने उड़ाए मजाक, बोले लगता है आपको बीना ने कॉल करके धमकी दी। सुशांत ने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर हुआ, ऑप्टिसी स्टाफ के कहा बॉडी देखते ही समझ गया था, पर सीनियर्स ने चुप करा दिया। मिशन मजनू का प्रमोशन करते दिखे रश्मिका सिद्धार्थ स्टेज पर, क्या डांस प्रमोशनल इवेंट में दिखी दोनों की गजब बॉन्डिंग। टीवी एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी ने बताई शादी की तारीख, बोली 9 मार्च को मेरी शादी है लेकिन मुझे वेडिंग लोकेशन का आइडिया नहीं है। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।